हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के इस दुनिया में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं और फॉर्मेट पेंटर का आखिर एमएस वर्ड में क्या अस्तित्व है इससे संबंधित। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम खोल लेते हैं। सबसे विंडोज बटन प्रेस कीजिए और ऐसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप टाइप कर लीजिए। तो हम एम टाइप किए, यहाँ पे सजेस्टेड में आ गया, इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे एम टाइप कर लेते हैं, इंटर कर लीजिए। देखिए, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों। अगर देखिए खुल के सामने आता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले वीडियो को देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है दोस्तों, उसमें मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या हो। देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि ये क्या करता है कि एक जगह से फॉर्मेट को उठा के दूसरी जगह पर पेंट करता है दोस्तों। एक जगह से जो फॉर्मेटिंग आपने दी है ना, उसको उठा के दूसरी जगह पर कॉपी कर देता है। ये नहीं है कि एक जगह से वो हटा देता है, वहां भी होता है और साथ में दूसरी जगह भी होता है। ये फॉर्मेट पेंटर करता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि जो फॉर्मेट को पेंट कर देता है उसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। यह करता है कि एक जगह से जो आपका फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करके दूसरी जगह पर जाके पेस्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, हम सीखते हैं। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी का पूछ लेते हैं, आप कैसे हो और यू, इस तरह से आप लिखते हैं आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल हाउ टू यूज फॉर्मेट, क्या दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए फॉर्मेट पेंटर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मतलब होता है कि जो आप इस पे अप्लाई करोगे, इसे इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से अप्लाई कर लिए। जैसे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो फोन ग्रुप ऑप्शन की वीडियो को जाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा देखिए फॉर्मेटिंग है, जो चाहे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एरियल ब्लैक है, एरियल है, एरियल ले लिया और यहाँ से आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इसको मोटा कर सकते हो, इटलिक्स इसको तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इस तरह से हमने इसको इसमें फॉर्मेटिंग लगा ली। ठीक है, और यहाँ से कुछ कलर भी डाल सकते हो, कलर डाल लिया यहाँ से, कुछ कलर डाल लिया इस तरह से यहाँ से। और हम ये क्या करते हैं कि इसको हम चाहते हैं, मान लीजिए हमने ये बना लिया और इसको हम चाहते हैं कि कहीं और पर पेंट करें, फॉर्मेट पेंटर से हम इसको यहाँ पर लगाएं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ये जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे इसमें डाला, जो हमने सिलेक्ट करके इसके अंदर डाला, बोल्ड डाला, इटलिक डाला, इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल डाला, इसको हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं जी, यहाँ पे भी उसी तरह का लाना चाहते हैं। तो क्या करोगे, इस पे जाओगे, इस पे जाने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करोगे और देखिए ब्रश टाइप का बन गया। अब सिंपली फॉर्मेट पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लो, देखो ये फॉर्मेट हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको फॉर्मेट पे तो है, हमको यहाँ भी लगाना हो, फिर मल्टीपल जगह लगाना हो, मतलब एक से अधिक जगह अगर आपको लगाना हो उसी तरह का फॉर्मेट ये वाला, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे लगाना हो, फिर यहाँ पे लगाना हो, मान लो यहाँ पे लगाना हो, तो मल्टीपल जगह कैसे लगाओगे। कुछ नहीं है, आपको इस पर सिंपली ऐसे क्लिक कर लेना है, इसको ऐसे सिलेक्ट भी कर लेना है, सिलेक्ट कर लो या सिंपली इस पर क्लिक कर लो। जैसे इस पर क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर पर, जाने के बाद डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे आप देखो ये मल्टीपल जगह आप इस पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, मल्टीपल जगह। देखो टीच पे लगाना है, टीच पे लगा दो भाई, एमएस वर्ड पे लगाना है, देखो ये एमएस वर्ड पे लगा दो, इस तरह से इस पे ऐसे क्लिक कर लेना है बस। अब उसके बाद आपको चाहिए यू पे लगाना है, तो इस तरह यू पे लगा सकते हो। इसको डीएक्टिवेट करना है तो बस इस पे जाके ऐसे क्लिक कर लोगे। समझ गए फॉर्मेट को इस कैसे पेंट करता है। अगर नहीं समझ में आए तो इसको देखिए फिर से एक बार करके दिखाते हैं। जैसे हाउ को हमने सेलेक्ट कर लिया और हाउ पे इस तरह का इसको बड़ा कर लिया इस तरह से, ये भी एक फॉर्मेटिंग हो गया। इस तरह से हमने इसको बड़ा कर लिया और इसमें हमने क्या किया, बोल्ड लगा लिया, इटलिक लगा लिया, अंडरलाइन लगा लिया और इस पर क्या किया कि इसके अंदर भी हमने कुछ कलर डाल लिया इस तरह से, कुछ भी कलर ले लो इस तरह का हमने ये ले लिया। अब चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है ये जो है सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाए जी, कुछ नहीं है, इस पर क्लिक कर लेना है। फॉर्मेट पेंटर पर जाओगे और सिंपली यहाँ पे गोइंग पर लगाना चाहते हो तो गोइंग पे ऐसे क्लिक कर लो। अब तुम चाहते हो कि यू पे भी, ऑल पे भी, तो बार बार तो यहाँ पे नहीं जाओगे, क्लिक करोगे बार बार तो नहीं करोगे, तो क्या करोगे आप इस पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर लो। अब ये मल्टीपल टाइम काम करेगा इस तरह से। जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो इस पे क्लिक हम नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और उसके बाद इस पे क्लिक करोगे देखो इस तरह से हो गया दोस्तों।
तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अगर यहाँ पे कोई डाउट देखने को मिला तो कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि ये चैनल है जो मुझे नॉलेज दे सकता है कुछ तो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप शेयर करें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सी यू सून माई फ्रेंड्स।